साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हम अपने गन्ने में एक कीटनाशक और एक फंजीसाइड की स्प्रे करेंगे। कीटनाशक के रूप में हम लेंगे इमिडा क्लोरोपिट 17.8% SL और इसके साथ फंजीसाइड के रूप में लेंगे थायोफ्लाइंट मेथल 70% WP। तो साथियों पहले इन दोनों का थोड़ा सा घोल बना कर देखते हैं ताकि ये पता चल सके कि इन दोनों का घोल तैयार करके एक साथ स्प्रे कर सकते हैं कि नहीं। तो किसान साथियों पहले हमने थोड़ा सा कांच के गिलास में कीटनाशक डाल लिया है, इसके बाद इसी गिलास में थोड़ा सा फंजीसाइड डाल के देखेंगे, उसके बाद कुछ समय के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर दोनों का एक साथ घोल बनाने पर घोल फट जाता है तो इन दोनों की एक साथ हम अपने गन्ने में स्प्रे नहीं करेंगे। अगर दोनों का घोल नहीं फटता तो किसान भाइयों हम अपने गन्ने में इन दोनों ही दवाओं को एक साथ मिलाकर स्प्रे कर देंगे। फंजीसाइड और कीटनाशक को एक साथ मिलाकर अपने गन्ने में स्प्रे कर देंगे। तो साथियों अब मैं उस कीटनाशक के घोल में थोड़ी सी फंजीसाइड दवा डालूँगा ताकि किसान भाइयों ये मालूम चल सके कि ये दोनों दवा एक साथ मिलाने पर किसी तरह का रिएक्शन तो नहीं करती। किसान दोस्तों अब मैंने उसी गिलास में थोड़ी सी फंजीसाइड भी डाल दी है, इसको अच्छे से मिलाएंगे। उसके बाद किसान दोस्तों कुछ समय के लिए लगभग 10-15 मिनट के लिए यूं ही छोड़ देंगे। तब तक दोस्तों मैं आपको अपना वो गन्ना दिखाऊँगा जिसमें हम इन दोनों ही दवाओं की स्प्रे करेंगे। उसके बाद आके देखते हैं कि दोनों ही दवाओं के घोल ने किसी प्रकार का रिएक्शन तो नहीं किया। तो किसान दोस्तों अब मैं आपको अपने उस गन्ने पर लेके आया हूं जिसमें हम इन दोनों ही दवाओं की स्प्रे करेंगे। तो किसान भाइयों हमारे इस गन्ने में ऊपर की साइड की कुछ पत्तियां लाल सफ़ेद और पीली पीली दिखाई दे रही हैं, साथ में ऊपर की पत्तियां नुकीली मुड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। तो भाइयों मैंने इसके लिए कल अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो डाली थी, उसमें इस रोग के बारे में जानकारी दी थी। तो आज हम अपने उसी गन्ने में इन्हीं दोनों दवाओं की स्प्रे करेंगे। वैसे तो साथियों आपको बताना चाहूँगा ये जो रोग है सिर्फ कीटनाशक दवा से ही रुक जाएगा, लेकिन हम फंजीसाइड की स्प्रे साथ में इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे गन्ने में आगे को किसी भी प्रकार की फंगस नहीं लगे, क्योंकि बरसात के बाद गन्ने में पोकावोइंग रोग आने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। इसीलिए पोकावोइंग की रोकथाम के लिए हम अभी से अपने गन्ने में फंजीसाइड की स्प्रे भी कर देंगे ताकि किसी भी प्रकार की हमारे गन्ने में फंगस नहीं आने पाए। तो दोस्तों आपको फिर से बताना चाहूँगा ये जो पत्तियाँ आपको दिखाई दे रही हैं इनमें इस समय थ्रिप्स लगा हुआ है जो कि किसान भाइयों गन्ने की ग्रोथ को एक साथ रोक देता है, क्योंकि गन्ने की पत्तियों का सारा रस चूस लेता है। गन्ने के थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए वैसे तो मार्केट में बहुत सारी अलग अलग दवाएं आती हैं, लेकिन दोस्तों हम अपने गन्ने में इसके कंट्रोल के लिए इमिडा क्लोरोपिट की स्प्रे करेंगे। आप चाहो तो इसकी रोकथाम के लिए हमला के नाम से एक मार्केट में दवा आती है जिसमें क्लोरोपाइरीफॉस 50% प्लस 5% साइफरमेथिन होती है, उसका भी प्रयोग कर सकते हो। या किसान भाइयों इन दोनों ही दवाओं की जगह आप ल्यूकिट रीजेंट का भी स्प्रे कर सकते हो जिसमें 5% फिप्रोनील आती है। कल की वीडियो पर मेरे पास 2-3 किसानों के कमेंट आए थे कि प्रमोद भाई हम अपने गन्ने में इसकी रोकथाम के लिए रॉकेट दवा का प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं। तो उन किसान दोस्तों को बताना चाहूँगा इसके लिए रॉकेट दवा इतनी उपयोगी नहीं है। तो भाइयों अब हम अपने उसी गिलास के पास आ गए हैं लगभग 15 मिनट बाद जिसमें हमने दोनों दवाइयों का घोल तैयार किया था। तो आप देख पा रहे होंगे किसी भी प्रकार का दोनों ही दवाइयों ने आपस में रिएक्शन नहीं किया है, बहुत ही अच्छा दोनों का घोल तैयार हुआ है। तो हम इन दोनों ही दवाओं को एक साथ मिलाकर अपने गन्ने में स्प्रे कर देंगे। तो साथियों अब हम अपने गन्ने के लिए स्प्रे टैंक में दोनों ही दवाओं का घोल तैयार करके डाल देंगे। आपको बताना चाहूँगा हमारा
जो ये टैंक है स्प्रे मशीन का, ये 300 लीटर का है। इसमें 300 लीटर पानी आता है, तो उसमें हम 300 लीटर पानी भरेंगे, उसमें हम 400 ग्राम थायोफेंट मिथाइल डालेंगे, साथ में 400 ml ही इमीडा क्लोरोपिड डालेंगे। 300 लीटर पानी में दोनों को डाल देंगे। तो दोस्तों, फंजीसाइड का घोल तैयार करके हमने अपने स्प्रे टैंक में डाल दिया है। उसके बाद अब हम अपने स्प्रे टैंक में इमीडा क्लोरोपिड 17.8% SL 400 ml डाल रहे हैं। उसके बाद किसान दोस्तों, हम अपने गन्ने में स्प्रे कर देंगे। तो भाइयों, आप देख पा रहे होंगे, हम अपने मिनी ट्रैक्टर द्वारा अपने गन्ने में ऑटोमेटिक स्प्रे मशीन से हम अपने गन्ने में स्प्रे कर रहे हैं। भाइयों, आपको जो ये सरिया दिखाई दे रही हैं, ये हमारे ट्रैक्टर का जाल है। हमने अपने ट्रैक्टर पर अभी कल परसों में ही ये जाल फिट करवाया है, क्योंकि बड़े गन्ने में ये पत्तियां मुंह पर और हाथों पर लगती थी, इसलिए हमने अपने ट्रैक्टर पर ये जाल फिट करवा दिया है। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे, हमारी ये स्प्रे मशीन फुल ऑटोमेटिक है, जिसके टैंक में पूरा 300 लीटर पानी आता है, जो एक एकड़ गन्ने के लिए पर्याप्त होता है। सारे गन्ने को ऊपर से नीचे तक दवा के घोल में बहुत ही अच्छे से भिगो देता है। तो किसान भाइयों, अगर आप भी एक साथ दो या दो से अधिक दवाओं का स्प्रे एक साथ मिलाकर करना चाहते हो, तो आप भी कांच के गिलास में सब दवाओं में से थोड़ा थोड़ा उसमें डालकर देख सकते हो। अगर वो घोल पूरी प्रकार से सही रहता है, तभी आप अपनी किसी भी फसल में उनकी स्प्रे करें। अन्यथा किसान भाइयों, अगर वो घोल फट जाता है या पानी में दवा नीचे बैठ जाती है, तो उनको आप उसमें एक साथ मिलाकर कभी भी अपनी किसी भी फसल में स्प्रे नहीं करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे किसान साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। और जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि तब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।